लोकसभा के लेके बैठे थे, बिहार की मीटिंग जो हमारी थी वो लोकसभा को लेके बैठे थे हम लोग, लोकसभा हमारे कैसे कैसे निकालेंगे। अब मंत्रियों के नाम तय किए जा रहे हैं बेटा, नहीं मेरे को तो मालूम नहीं है। नीतीश के लिए दरवाजा बंद है अभी भी, अभी आप निकले हैं मेरे को तो पता ही नहीं है मैं क्या कर सकती हूं। दरवाजा बंद है खुला, नीतीश के लिए दरवाजा बंद है खुला है। देखिए अभी हम कैसे कहें, वो तो ऊपर से जो आएगा उसके बाद पता चलेगा, अभी तो हम लोग अपनी लोकसभा की तैयारी में बैठे हुए हैं। अभी जो बैठक होने वाली है वो लोकसभा की तैयारी हो रही है, तो लोकसभा की तैयारी में कहीं हमारा भी, हम भी प्रभारी है लोकसभा के, वैशाली के प्रभारी है, तो इसलिए अपना काम कौन क्या कर रहा है उसको तो रिपोर्ट देना ही पड़ेगा ना। क्या आएंगे तो बीजेपी को और बल मिलेगा? नहीं जी, हमारा अपने मजबूत है। तो आप चाहते हैं कि ना आए बीजेपी? तो हम अपने मजबूत है, तो आप चाहते हैं कि जरूरत नहीं है? देखिए ऐसी बात नहीं है, ऐसा वेलकम करने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कुछ भी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी विषय है, जो भी निर्णय है, हम सभी कार्यकर्ता अपने नेता नरेंद्र मोदी जी पे, अपने पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी पे, उनकी राजनीतिक सूझबूझ, उनके निर्णय पर 120% भरोसा करते हैं। जो करेंगे वो पार्टी, बिहार और देश के हित में निर्णय होगा, जो भी तय होगा हम सब अनुशासन के साथ पूरा संगठन एकजुट होकर मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के योजना में लग जाएगा। ताहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। नहीं तो दरवाजा खोल रहे, नहीं खोल रहे सरकार, दरवाजा खोल रहे। ताहे विधि राखे राम, ताहे विधि। अरे वो नीतीश जी के आने से फर्क पड़ेगा सर, अरे राम के चुनाव से सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, मतलब बिहार में सत्ता में आ रहे हैं वापस, बदल रही है, अरे सच बदल रहा है बिहार में, मोहनलाल राम के पास से सब ठीक हो रहा है। नीतीश जी की जरूरत क्यों है, जरूरत क्यों है? ताहे विधि राखे, लेकिन जरूरत तो है नहीं। बताइए की समिति है तो प्रदेश कार्य समिति में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होती है, तो जाहिर बात है प्रदेश कार्य समिति में पार्टी कैसे आगे बढ़े केवल और केवल इसकी चर्चा। बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ रहे हैं? क्या वो फिर से आपका आपका सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं? प्रदेश कार्य समिति में हम आगामी 2 महीने की योजनाओं पर चर्चा करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या क्या कार्य देने हैं इसकी चर्चा होनी है, और जब कार्यक्रम कार्य समिति समाप्त हो जाती है तो आप सबको एक नोट भी मिलेगा कि क्या क्या हुआ। क्या आज विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राजभवन को दी जाएगी भाजपा विधायक? प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सभी प्रभारी पदाधिकारी सब आमंत्रित होते हैं। शुद्ध संगठनात्मक बैठक है, लोकसभा चुनावी की जो तैयारी होनी चाहिए उस पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन अभी तो बिहार के जो राजनीतिक समीकरण है, लग रहा है उसको लेकर के भी उस संबंध में मैंने कुछ कहा, आप लोगों को कोई एजेंडा नहीं दिया गया? नहीं। तो ये इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध रूप से लोकसभा चुनाव से संबंधित जो सांगठनिक विषय उसी विषय पर यह बैठक आहूत है। ऐसे नेताओं के बीच में बैठने के बाद कोई और बात हो सकती है नहीं हो सकती इसकी बात अभी हमारे ज्ञान में नहीं है, लेकिन अभी तक तो जो जानकारी है वो होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित। लेकिन जो राजनीतिक हालात बदल रहे हैं उसको लेकर के इस पर चर्चा हो सकती है क्या? अभी मैंने आपको कहा कि बड़े नेता बैठे हैं, कोई बात होती है तो नई बात आ सकती है। ये बैठक पार्टी का है, यहाँ माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद, लोकसभा के प्रभारी, बिहार में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसी के तहत ये बैठक है। विधानसभा चुनाव को लेकर के या फिर जो राजनीतिक समीकरण, लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसके लिए बैठक है।